ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां अंतिम चरण में चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कांग्रेस पर कसा तंज। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां चिलचिलाती गर्मी में शासकीय अस्पतालों में पेयजल व पंखे की व्यवस्था की गई, और बताएंगे कैसे रीवा में ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव किए बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां बता दें कि झारखंड में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कांग्रेस पर कसा तंज। मोदी जी के लिए सुनामी चल रही है, कांग्रेस के चेहरे मुरझाए हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि झारखंड में आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है, जैसे जैसे समय आता जा रहा है वैसे वैसे ये समझ में आ रहा है कि माननीय मोदी जी के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। मोदी जी के लिए सुनामी चल रही है, कांग्रेस और उनके साथ वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। मतदाता सब देख रहे हैं, मतदाता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ हैं। ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा समय है, जब पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार जनता फिर बनाने जा रही है। झारखंड में आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है और जैसे जैसे समय आता जा रहा है, हम सबको दिखता जा रहा है माननीय मोदी जी के पक्ष में पूरा वातावरण बना हुआ है। एक तरह से सुनामी चल रही है मोदी जी के लिए, और कांग्रेस और उनके साथ वाले सारे लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और वो बहुत हल्के स्तर पे आ गए हैं, लेकिन मतदाता सब देख रहा है। मतदाता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा समय है जब पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर जनता बनाने जा रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद महेंद्र सिंह की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर न्यायालय परिसर में शरबत के प्याऊ लगाकर लोगों को ठंडा शरबत वितरित किया गया। तो वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए गुलाब बाग स्थित ट्रैफिक प्वाइंट पर पानी के मटके भी रखवाए गए, जिससे लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध हो सके। यातायात पुलिस कर्मियों ने इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही अन्नपूर्णा योजना, रसोई योजना में जरूरतमंदों को भोजन कराया गया तथा शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद जग्गा ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह दिवाकर रजक समाज के जनरत्न थे, उन्होंने रजक समाज का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। आज 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम रजक समाज की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर अतुल कुमार भार्गव, सुभाष दिवाकर, धौलपुर रजक महासभा के अध्यक्ष हरविलास, यातायात कर्मी देवेंद्र सिंह, रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता अनूप शर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां बता दें कि नर्सिंग होम एक्ट जिला नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग जिले के सभी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पताल में मरीज एवं मरीज के परिजनों के लिए पेयजल व पंखे की व्यवस्था पूर्ण सुचारू रूप से व्यवस्थित है। बता दें कि इन दिनों नौतपा का कहर चरम पर है, वहीं शासकीय अस्पतालों में रोजाना ओपीडी में भी सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। नौतपा में आग उगलते सूरज की भीषण गर्मी के चलते भिलाई में एक महिला की मौत भी बताई जा रही है। सर बताएंगे, भीषण गर्मी में जो है मरीज जो है अस्पतालों में आ रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ पानी की सुविधा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आपातकालीन स्थिति में भी जो आते हैं उनके परिजन आते हैं उनको लेकर सामुदायिक प्राथमिक केंद्र पूरे टोटल जिले में, और दूर जिले की बात करें अस्पताल की, क्या कुछ सुविधा है? नहीं नहीं वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जब गर्मी आती है या कोई भी सीजन चेंज होता है तो स्वास्थ्य विभाग उसमें अलर्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे इन दोनों गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है, सुनने में आ रहा है कि कई जगह पक्षी भी जो है उड़ते उड़ते अभी संज्ञान में आए, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PSC सब जगह जो है OPD जहाँ होती है, जहाँ मरीज आते हैं धूप से, उनके IEC से पूरा उसमें डिस्प्ले रहता है कि क्या क्या सावधानी बरतना है, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, जो 11 बजे के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है उस समय निकलना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग धूप में भी काम करते हैं। मेरा यही हमेशा आग्रह रहा है कि अगर मान लीजिए आप लगातार बीच बीच में पानी पी रहे हैं, एसिड बेस बैलेंस आपके बॉडी का मेंटेन चल रहा है, क्योंकि ये जो एहतियात इंतजाम ये है कि पानी की व्यवस्था है हर जगह, और जहाँ भी एम्बुलेंस ऐसे हर OPD में इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी खड़ी है जो कि प्रायः रहती है। दूसरा
पानी की व्यवस्था है, तीसरा जो बैठने की जो उनकी सुविधा है वहाँ पे पंखा कूलर सब लगाया गया हुआ है ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके लिए इमरजेंसी सभी मेडिसिन भी रखी गई है, ORS घोल भी रखे हुए हैं, जितनी भी प्राथमिक व्यवस्था होती है वो सब उपलब्ध हैं सभी हॉस्पिटल में, इवन जिला अस्पताल में भी। और कहीं ना कहीं लोगों को भी खुद सावधानी रखना चाहिए कि पतले दुबले हल्के कपड़े पहनना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए अगर कोई चीज़ अनअवॉइडेबल है उसको छोड़ करके अगर कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा धूप में ना निकले बाहर और अपने आप को सेफ रखें, स्पेशली बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। सर दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या स्वास्थ्य पर? दिशा निर्देश पहले से ही है और सब जगह हमारे OPD में आप जाएंगे आपको दिखेगा वहाँ पर डिस्प्ले भी है, IC भी है ताकि मरीज उसको पढ़ करके सावधानी क्या क्या रखना है वो सब चीज़ के बारे में वहाँ जानकारी भी मिलती है और व्यवस्था। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां बता दें कि धनवार प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर पंचायत के गादी ग्राम में मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में चले आ रहे विवाद को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को बैठक कर खोरी महुआ SDM तथा धनवार अंचलाधिकारी से मंदिर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के उप मुखिया सकलदेव प्रसाद वर्मा ने की। बैठक में उप मुखिया के अलावा वार्ड सदस्य मालती देवी, कन्हैया यादव, उमेश यादव, लोचन यादव, पंच सदस्य तुलसीदास, लक्ष्मण प्रसाद यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया। गैर मजरुआ जमीन वर्षों से सरकारी देवी मंदिर के नाम पर थे। बता दें कि इस मंदिर में सैकड़ों वर्ष से लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, पर मंदिर की जर्जर अवस्था को देखते हुए ग्रामीणों ने बैठक कर मंदिर का पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। उसी वर्ष कार्य भी चालू हो गया, पर पिछले 2023 में गांव के ही द्वारिका महतो और उसके पुत्र वीरेंद्र यादव सहित परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मंदिर के सामने JCB तथा ट्रैक्टर के माध्यम से धान लगा दिया गया जिसका ग्रामीणों ने विरोध करते हुए महापंचायत बुलाई, जहां ग्रामीणों तथा मंदिर निर्माण विरोध कर रहे लोगों के पक्षों को सुनकर पंचों ने निर्णय दिया कि मंदिर का कार्य नहीं रुके और ना ही मंदिर निर्माण से किसी का रास्ता बाधित हो। जिसके बाद पंचों के निर्णय के बाद ग्रामीणों ने 35 फीट सार्वजनिक रास्ता या खाली जमीन छोड़ दी, जिसके बाद पंचों के निर्णय के अनुसार ग्रामीणों ने पुनः मंदिर तथा बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। इसे द्वारिका महतो के भाई बद्री महतो के परिवार के लोग बाउंड्री वॉल के लिए दिए जा रहे पिलर को तोड़ दिया गया तो कुछ गड्ढों को भी भर दिया गया, जिसको देखकर ग्रामीण काफी आक्रोश में है। लगभग एक साल से यह मैटर चल रहा है हम लोग गाँव में, गादी का है, धर्मपुर पंचायत, थाना धनवर, जिला गिरिडीह। तमाम ग्रामीणों की बावजूद, कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग बैठक एक बार नहीं 10 बार से ऊपर बैठक कर चुके हैं। बहुत दूर दूर से गणमान्य पंचों को बुलाया गया, पंचों ने जो हम लोग छोड़ दिए कि जो पंच लोग निर्णय देंगे, यहाँ के मुखिया उप मुखिया जो भी प्रतिनिधि थे, हम लोग मानने के लिए समाज लोग तैयार हो गए कि आप लोग जो निर्णय दीजिएगा हम लोग मानेंगे। उसके बाद उन लोग जो निर्णय दिए कि नहीं उनको पीछे तरफ उनका खेत है तो उन लोग का रास्ता निकलने के लिए दिया जाए, तो पंचों के द्वारा चिन्हित करके नाप करके जो उन लोग का रास्ता देने के बावजूद उन लोग माने कि ठीक है बाउंड्री कीजिए। जब भी बाउंड्री की बात आती है तो एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, कभी उनके ऊपर कभी इनके ऊपर, कि पहले उनका लिया जाए जो कि सबों का लिया गया है। लगातार विवाद में चला आ रहा है, लगातार पंचायत हो रहा है। हम लोग पंचायती में यहाँ बैठे हुए थे, एक बार सबों को बुलाया गया था, हम लोग पंचायती में बैठे तो उस दिन मामला आया, जैसे कुछ लोग बता रहा था कि जमीन तो उनका है लेकिन ये प्लॉट जो बता रहे हैं वो कहीं प्लॉट जो सो दूसरे जगह, वो प्लॉट का ज़मीन ही नहीं। तो यहाँ बातचीत हुई तब बताया गया कि इतना जो सो हम लोग तय किए कि उनका भी रास्ता आगे से मैंने रखा जाएगा, वो रास्ता छोड़ के इतना दूर जो है सो आप लोग जो इसमें 4 दीवारी दे दीजिए। तो यही बात हुई थी और हम लोग उस पर निर्णय भी किए थे और सहमति भी बनी थी कि ठीक है इतना छोड़ के आप लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग चिन्हित करके भी गए थे उस दिन, वो कुछ विवाद कर रहे थे पेड़ का, हम लोग बोले कि पेड़ आपका है आपका ही रहेगा, बाकी ज़मीन है तो इसको बाउंड्री करने दीजिए। तो बस यही बात हुई थी और हम लोग भी उस पर निर्णय सहमति दिए थे, तो सबकी सहमति थी। वर्तमान में क्या विवाद हो रहा है? जब फैसला हो गया तो काम क्यों नहीं हो पा रहा है? फैसला हो रहा है, उसका कहना है कि दीवार हो लेकिन छोटा दीवार हो, पिलर हो सिर्फ दीवार हो, पिलर ठीक है, जैसे पिलर हो उसका दीवार जो सो ऊंचा नहीं करे, ये सिर्फ पिलर दे के छोड़ दे,
दीवाल को ऊंचा नहीं कर। सही आया पुजारी। क्या नाम हुआ? रामजी माता। क्या मामला है? मामला इसमें हम लोग 15-16 हिस्सेदार है अपना में, भाई में अपना ददवा में चला रहा है। तो हम लोग अपने से जैसे जो है बैठक करके और अपने से चिन्हित इन लोग कर दिए। प्रथम छोटा बॉर्डरी मड़वा के था, वो समय में इन लोग जैसे अभी हमला किया उस समय किया और बड़ा बॉर्डरी किया। ठीक है, जब बड़ा बॉर्डरी किया तो उस समय भी कागज़ यहीं से अपना अपना बनाया, वो कागज़ इन लोग दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोलते हैं जो हम यहाँ तक ले लें, हम कहिए कि नहीं चिन्हित करके और जो हम लोग से जैसे साइन करवाइए वैसे साइन करवा लीजिए, इस पर हम कुछ काम नहीं ले सकते हैं, आपको भी देवी मंडा है हमारा भी है। यही बात में इन लोग बोलता है बॉर्डरी बॉर्डरी कर देंगे सर, तो हम लोग उधर ज़मीन है उधर ज़मीन है, हम बाहर किधर से होंगे? इतने सवाल है यार, कोई सवाल नहीं है ये सब कोई रहता है। ये गैर मजरूवा ज़मीन बताया जा रहा है, तो गैर मजरूवा ज़मीन में आपका क्या मैंने अधिकार? हाँ, कागज़ पत्र हम लोग आज से नहीं पर्दे से ये कर रहा है जो सब हम राजा के हुक्मनामा था। क्या है पेपर पंचायत में दिखाया? हाँ हाँ दिखाया है, पेपर पेपर पंचायत में नहीं दिखा, बोल नहीं हम चाहिए ये बोला पंचायत। पेपर जब अभी आपको दिखा सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपका जमीन? नहीं नहीं कोई पंचे वाला नहीं बोला, ऑनलाइन से देख लिया उन लोग और बोला नहीं हो, जो आप रखिए पत्र जो है आप घर में रखिए। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां तालाब में नहाने गई दो बच्चियां डूब गई, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव किए बरामद, घटना की जांच शुरू। बता दें मामला सेमरिया थाना क्षेत्र के शाहपुर चौकी अंतर्गत वीरखाम गांव की रहने वाली दो मासूम किशोरी उर्मिला यादव उम्र 12 वर्ष और रेखा यादव 14 वर्ष की गाँव के ही तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक साथ दो मासूमों के डूबने के बाद परिवार सहित पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना को लेकर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि डायल 100 को बच्चियों के डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शवों को तालाब से निकलवाकर पीएम कराने अस्पताल भेज दिया है। वही घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। चौकी सहायपुर थाना सेमरिया अंतर्गत डायल 100 का एफआरबी को पॉइंट मिला था कि चौकी सहायपुर अंतर्गत एक गाँव है बीरखाम, वहाँ एक खजुरिया तालाब में दो बच्चियों के डूबने का इवेंट प्राप्त हुआ था। इवेंट पर डायल 100 जब पहुंची तो घटना सही पाई गई और गांव वालों की मदद से जो बच्चियां जो डूबी थी उनका एक बच्ची जो 12 वर्ष की थी उसका नाम उर्मिला यादव, पिता सत्यदेव यादव, और दूसरी बच्ची थी जो रेखा यादव, पिता अशोक यादव, दोनों निवासी बीरखाम। ये दोनों बच्चियाँ तालाब में नहाने जाती थी और आज भी नहाने के लिए गई हुई थी, उसी दौरान ये घटना हुई, तालाब में दोनों बच्ची डूब गई। ग्रामीणों की मदद से शव को खुजवाया गया, दोनों शव प्राप्त हो गए हैं। शव को अग्रिम कार्रवाई के लिए अस्पताल उनकी पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजा गया है। ये लगभग 11 से 12 बजे के आसपास की घटना, सुबह की घटना ये। करीब एक घंटे के अंदर हमने दोनों लाश को प्राप्त कर लिया था, शव को बरामद कर लिया था पानी के अंदर। जो थाना है वो थाना सिमरिया है और चौकी सहायपुर लगेगी। और बच्ची जो डूब गई हैं दोनों बच्चियों, उनमें से एक बच्ची का नाम है उर्मिला यादव, पिता सत्यदेव यादव, और दूसरी बच्ची का नाम है रेखा यादव, पिता अशोक यादव, दोनों निवासी बीरखाम। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।